स्टेशन आ गए हैं और यहाँ से इंदौर की जर्नी करने वाले हैं। बहुत गर्मी है, बहुत तेज धूप है। तीन बज के 20 मिनट पर हमारी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म अभी पता नहीं किया है और बहुत गर्मी है यहाँ। हम लोग ट्रेन में पहुँचने से पहले ही काफ़ी थक गए हैं। मम्मी पापा मेरे साथ हैं, गर्मी के कारण काफ़ी थक गए हैं। नज़र आ गई है, हम प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे ये आती है और चल चल के हालत खराब है। भैया दो पानी की बॉटल ठंडी दीजिएगा। ट्रेन के अंदर हम आ गए हैं, बाहर खड़े होने की बहुत ज़्यादा देर हिम्मत नहीं हुई, बहुत गर्मी है, बहुत तेज धूप है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 से जाती है ये प्रयागराज से, तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हैं। 3:20 डिपार्चर टाइम। ये सामने हम सफ़र एक्सप्रेस खड़ी है, नई दिल्ली से प्रयागराज जाती है। उनको छोड़ना जा रहा था। देखिए पिछले वीडियो में जो मैंने बात की थी, ये अपर बर्थ और लोअर बर्थ के बीच की लेंथ, जिस कोच में थे हम उसमें काफ़ी कम थी, मगर इसमें बिल्कुल ठीक है। वो नई बनी होगी कोई ज्यादा। हां तो उसमें से बिल्कुल उनको टकरा रहा था। हां तुम्हारा से टकरा रहा था। टॉयलेट एकदम क्लीन है, ये देखिए बेसिन और ये हैंड वॉश करने के लिए लिक्विड भी है और एक ये स्विच है जो शेवर के लिए दिया गया आपको, शेविंग के लिए। एक नई बात है, इसमें मिरर है। देखिए ये टॉयलेट तो क्लीन है, बट समस्या वही है बदबू की, क्योंकि लोग पानी नहीं डालते। वही जो सामने आपको बटन दिख रहा है ना, जो ग्रीन, आप जब भी टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो इसे ज़रूर दबाएं आप, है ना। रेलवे स्टेशन के बड़े आम दृश्य हैं, मालगाड़ी गुजर रही है और उस पर लेबर्स बैठे हैं। देखिए आप साइन बोर्ड पे देख रहे होंगे, 3:20 इसका डिपार्चर टाइम है और प्लेटफॉर्म नंबर 10 से ये डिपार्ट होगा। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि ये ट्रेन कहाँ से डिपार्ट होगी, किस प्लेटफॉर्म से, तो प्रयागराज से ये प्लेटफॉर्म नंबर 10 से इंदौर की ओर जाती है। आपको इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, ये अपर बर्थ है, ये लोअर बर्थ है, ये हमारी सीट है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेन के इंटीरियर, ट्रेन पे नहीं, उस दिन किस कोच में आप बैठे हैं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि पिछली बार ये अपर बर्थ और लोअर बर्थ का जो इसके बीच का जो गैप है ये बहुत ही कम है। हाँ चल दिए ट्रेन। हेलो और सब बढ़िया। हाँ चलो पहुँच जाएंगे कल सुबह, है ना। ओके ये हमारी ट्रेन प्रयागराज से डिपार्ट करती हुई, 3:20 डिपार्चर टाइम है और ट्रेन एकदम राइट टाइम प्रयागराज स्टेशन से निकली। इधर पता नहीं बड़ी सी सारी चीज़ें।
बाय बाय प्रयागराज, दो दिन आप में इस शहर में हम रहे, काफ़ी अच्छा हमारा स्टे रहा। देखिए कंबल मिलना शुरू हो गया, कंबल मम्मी पापा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेन चल चुकी है, अभी स्पीड नहीं पकड़ी है, साइड से एक ट्रेन निकल रही है। ये ट्रेन है लोकमान्य नगर टर्मिनस से वाराणसी। देखिए ट्रेन की विंडो से प्रयागराज का नज़ारा, काफ़ी सारे फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। देखिए आप इलाहाबाद ट्रेन की खिड़की से। करिए आप यमुना जी के दर्शन, नहीं जो तुम ले गए इलाहाबाद से त्रिवेणी में, तो कहते नाव से जाते इंदौर की ओर जाते वक्त, अभी पानी से सूख गया नहीं तो वहाँ पानी भरा रहता। ये देखिए इलाहाबाद से इंदौर की ओर जाते वक्त ये यमुना है, वो पुल है, बहुत पानी है यमुना नदी में, और गंगा का है इसी के आगे। इलाहाबाद का ही एक स्टेशन है, यमुना नदी के उस पार इलाहाबाद है और इस पार नैनी है। ये नैनी में ट्रेन अराइव होती हुई, काफ़ी डेकोरेटेड स्टेशन है, पेंटिंग्स वगैरह बनी है, भीड़ तो यहाँ भी काफ़ी है। बहुत तेज धूप है आज और बहुत गर्मी है। ये देखिए नैनी जंक्शन में, हाँ नैनी में बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, जैसे अपना वो है डॉक्टर अम्बेडकर नगर, लक्ष्मीबाई नगर, वहाँ से चढ़ते नहीं हैं लोग, रुकती नहीं ना। ये देखिए नैनी जंक्शन से ट्रेन डिपार्ट होते हुए, ये दूसरी तरफ का प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके पहले जहाँ ट्रेन रुकी थी उसके सामने की तरफ का ये प्लेटफॉर्म। देखिए काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं स्टेशन पे, और ये प्लेटफॉर्म काफ़ी क्वाइट है। जब ट्रेन इंदौर से आती तब इस प्लेटफॉर्म पे रुकती है, इसको आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, ये पेंटिंग्स देखकर मुझे ऐसा लगा। इस वक्त अप्रैल चल रहा है मगर मई जैसी गर्मी है, काफ़ी तेज़ धूप, वही धूप छांव आपको स्टेशन के प्लेटफॉर्म से नज़र आ रही है। रास्ते में खेत खलियान, ये देखिए जो फसल कटी हुई रखी है, इस समय भारत के कई हिस्सों में हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, तो ये जो कटी हुई फसलें आपको दिखाई देंगी अभी, ये गेहूं की फसल है। यहाँ एक छोटा सा गांव रास्ते में, देखिए जब खेत नज़र आएंगे तो उनमें आपको कटी हुई फसल भी साथ में नज़र आएगी, ये गेहूं की बालियाँ हैं। ये देखिए
हमारे पिछले वीडियो में भी ये दिखाई दिया था सुबह सुबह जब हम लोग प्रयागराज पहुंचने वाले थे, पर उस समय हमें ये जानकारी नहीं थी कि ये क्या है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे एक यूज़र ने वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताया कि ये NTPC शंकरगढ़ है। ये देखिए, ये जो धुआं छोड़ती हुई बड़ी बड़ी चिमनी आपको दिखाई दे रही है, ये है NTPC शंकरगढ़। एक और छोटा सा स्टेशन जो हमारी ट्रेन पहुंच रही है, ये शंकरगढ़ है। ऐसे स्टेशंस पर या प्लेटफॉर्म पर जब बीच में बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उन्हें देखना काफ़ी ही अच्छा लगता है। और इतनी तेज़ धूप में ही कई यात्रियों को अपनी छांव भी देते हैं। देखिए पेड़ों के इम्पोर्टेंस है। कई प्लेटफॉर्म्स पे जो बीच में पेड़ उगे गए उन्हें काटा नहीं गया, ये सिर्फ छोटे स्टेशंस पे ही आपको देखने को मिलेगा। और बड़े स्टेशंस पे तो विकास के नाम पे ना जाने कितने पेड़ काटे गए होंगे। ट्रेन शंकरगढ़ से डिपार्ट करती हुई ये प्याऊ, आज भी देखिए छोटे छोटे स्टेशन्स पर प्याऊ हैं जहाँ पे यात्री मुफ्त में पानी पी सकते हैं नल खोलकर। देखिए गाय, पता नहीं क्यों ये जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं इन्हें देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनमें भले ही बहुत सी व्यवस्थाएं ना हो बड़े स्टेशनों की तरह, मगर इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़े स्टेशनों पे नहीं मिलेंगी, जैसे पेड़ पौधे, हरियाली। तो अब हमारी जो ट्रेन है ये शंकरगढ़ क्रॉस कर चुकी है, शंकरगढ़ स्टेशन। एक और छोटा सा गांव जो ट्रेन के स्टॉप में नहीं है, मगर यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई थी, प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकी थी। ये देखिए एक छोटी सी सड़क जो ट्रैक्स के पैरेलल चल रही है, और कोई शहर आया है मेरे ख्याल में या कोई छोटा गांव है। और सड़क देखिए अभी भी चल रही है ट्रैक्स के पैरेलल। जब ऐसी सड़कों को देखता हूँ मैं ट्रैक्स के पैरेलल तो सोचता हूँ कि क्या कभी यहाँ से गुजरूँगा मैं आगे। देखिए छोटी सी सड़क है, सिंगल लेन। ये देखिए मानिकपुर का नज़ारा, ट्रेन मानिकपुर पहुंचती हुई, SBI बैंक, इंडियन बैंक।
पहुंच गए मानिकपुर। मानिकपुर जंक्शन, यहाँ पे ट्रेन रुकेगी 2 मिनट, 2 मिनट का स्टॉप है। और मैंने इंटरनेट पे ही अभी ये पता किया कि ये करीब 150 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। जब इलाहाबाद को जबलपुर से जोड़ा गया था तब इसे बनाया गया था। मुझे पूरी तरह से ये जानकारी नहीं है कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ सही है या गलत, आप इसे चेक कर लीजिएगा, पर ऐसा मैंने अभी अभी इंटरनेट पे देखा है। मानिकपुर जीआरपी थाना। तो अगर ये 150 साल पुराना स्टेशन है तो काफ़ी पुराना स्टेशन है। पाँच बज के करीब 24-25 मिनट हो रहा है, 2 मिनट का स्टॉप पूरा हुआ। चाय पीना है भैया? चाय निकल गया। ये देखिए मानिकपुर रेलवे स्टेशन। तो इंटरनेट के हिसाब से करीब 150 साल पुराना स्टेशन है और काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है उत्तर प्रदेश। वहाँ से ट्रेन डिपार्ट होती हुई 2 मिनट का स्टॉप था। देख कर लग रहा है कि बड़ा स्टेशन है ये। यहाँ पे इमरती बिक रही थी, इमरती। हर जगह की अपनी अलग अलग चीज बिकती है। ले रहे थे क्या लोग? हाँ, बिक रही थी, मतलब ऐसे वो दोने में रख के इमरती बेच रहे थे। तुमने खाई क्या? नहीं, मैंने नहीं खाई। रुकी थोड़ी होगी यहाँ, 2 मिनट का स्टॉप था यहाँ। ट्रेन डिपार्ट हो गई है मानिकपुर से। सुबह जब हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की तो मुझे लग रहा था कि बहुत तेज़ धूप है, मगर उस तेज़ धूप के कारण ही आज वीडियोस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ये है मानिकपुर जंक्शन। अगर आप मानिकपुर से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या जो जानकारी हमें पता चली है वो सही है। देखिए दूर एक ट्रैक है जिस पर ट्रेन खड़ी है, मालगाड़ी है, और उस ट्रैक और इस ट्रैक के बीच में खेत हैं। ये देखिए बज गए हैं और थोड़ी सी भूख लगने लगी है, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या खा सकता हूँ। क्या ही नमकीन है और चिप्स खाने। हाँ, चिप्स खा लेता हूँ थोड़ी सी। देखिए आलू के चिप्स, ये हम इंदौर से लाए थे। ये अग्रवाल स्वीट्स के हैं और इतने बड़े आलू के चिप्स मुझे और कहीं के नहीं लगते जितने अग्रवाल स्वीट्स के लगते हैं। पोटैटो वेफर्स खा रहे हैं। बहुत देर से भूख लग रही है। जंगल और पहाड़ नजर आने लगे। ऊपर की पार्ट है ये देखिए। दाल इसकी थोड़ी अलग लगती थी खाने में।
है ना। ये पहाड़ नजर आ रहा है जिसपे सीढ़ियां जा रही, शायद कोई मंदिर है ऊपर। आप अगर जानते हैं इसके बारे में तो कमेंट करके बताइएगा। चित्रकूट के ठीक पहले ही यहाँ तो रुक गया। ट्रेन चित्रकूट के काफी करीब है और चित्रकूट आते ही काफी हरियाली नजर आने लगी है। अभी तक जो पेड़ आ रहे थे काफी सूखे थे, मगर अब काफी ग्रीनरी नजर आने लगी। इस स्टेशन का नाम है चित्रकूट। मतलब यहाँ पे जो चित्रकूट जगह है ना वो दूर है। The station is करवी। मतलब करवी था ये। सिर्फ करवी था। अब इसका नाम चित्रकूट धाम करवी कर दिया गया है। यहाँ से चित्रकूट पास होगा। मतलब वही तुम कह रहे थे जाना पड़ेगा। एकदम ये चित्रकूट वो नहीं है। जंगल में। ये चित्रकूट धाम पहुंचती हुई ट्रेन थोड़ा सा लेट है। आप सीधा चित्रकूट धाम से डिपार्चर कर रही है ट्रेन। ये स्टेशन पहले करवी हुआ करता था, अब इसे चित्रकूट धाम करवी कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ करवी एक यहाँ पर माइन माइनिंग होती है जहाँ पर नाम था इसका। और ये शायद यूपी की तरफ जो है करवी जो है करवी और एमपी की तरफ चित्रकूट। आधा चित्रकूट यूपी में है और आधा एक्चुअल में बुंदेलखंड जो है ना आधा एमपी में आधा यूपी। तो ये बुंदेलखंड का एकदम परफेक्ट शहर है। परफेक्ट शहर। ये बुंदेलखंड के सेंटर में कह सकते हैं इसको। आप कहाँ जा रहे हैं सर? हम जा रहे हैं उज्जैन। उज्जैन। आप कहाँ जा रहे हैं? हम इंदौर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहाँ से? प्रयागराज से जा रहे हैं। महाकालेश्वर दर्शन के लिए। हाँ चलिए बढ़िया। आप इंदौर किस लिए जा रहे हैं? हम इंदौर से ही हैं। प्रयागराज आए थे। प्रयागराज आए जी। आप यहाँ का तीर्थ जी जी यहाँ क्या क्या? हम संगम गए जी। एक्चुअल में थोड़ा काम से आए थे पर संगम गए और वो हनुमान जी का मंदिर जो है बड़े। प्रयागराज से उज्जैन जा रहे हैं और ये उनकी डॉटर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भव्य मिश्रा है। भव्य मिश्रा। हाँ। तो मैंने इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली प्रयागराज के बारे में और इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दी उज्जैन के बारे में और हम लोग साथ में जर्नी कर रहे हैं। हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है तो इन्हें भी मैंने बताया अपने चैनल के बारे में। तो देखिएगा मिश्रा जी मेरे चैनल को। बिल्कुल 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 देखेंगे और हमारी शुभकामनाएं कि आपका चैनल ऐसे बढ़ता रहे और लोगों में जानकारी पहुंचे। ठीक है मिश्रा जी। थैंक यू। थैंक यू भव्य। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के बांदा और यहाँ ज़्यादा स्टॉप नहीं है इसका, 2 मिनट का है। तो से 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आइए। इसके आगे के स्टेशन जो हैं वो आप पहले इंदौर से प्रयागराज जब हमने जर्नी की थी तो उसमें हम आपको दिखा चुके हैं। तो कोशिश करूँगा मैं इसके बाद एक आध स्टेशन और आपके लिए दिखाने की कोशिश करूँगा, वरना फिर इंदौर में बुलाता हूँ। ये ट्रेन महोबा स्टेशन पे रुक रही है अभी।
यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है ये, फिर भी भीड़ भाड़ है। पिछली बार तो जब हम यहाँ से गुजरे थे तो काफ़ी अंधेरा था यहाँ, इस बार काफ़ी लाइट्स हैं। जर्नी में पहली बार दिखा रहा हूँ ये महोबा स्टेशन। पहुँच गई है खजुराहो करीब, थोड़ा पहले ही पहुँच गई है, 5-10 मिनट पहले, और अब हम चाय ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि रास्ते भर हम चाय पीने के लिए देखते रहे और किसी स्टेशन पर 2 मिनट से ज़्यादा ट्रेन रुकती नहीं तो हम चाय ले नहीं पाए, ना कोई चाय वाला चढ़ा। ये खजुराहो स्टेशन, ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टेशन है इस जर्नी में क्योंकि यहाँ पर ट्रेन करीब 15 मिनट रुकती है, तो आप वॉक कर सकते हैं खाना खाने के बाद, चाय पी सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। स्टेशन का नज़ारा, लगता है कि पूरी ट्रेन ही टूट पड़ी है इस दुकान पर। और ये जो दूसरी तरफ भीड़ लगी है ये चाय के लिए है, मैं आपको दोनों करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे चाय बट रही है, देखिए ऐसा लग रहा है कि सारे कोचेस के लोग निकल के दुकान पे टूट पड़े हैं। ये खजुराहो स्टेशन का नज़ारा है, ये चाय के लिए भीड़ देखिए और ये ओवरऑल भीड़। देखिए आपको स्टेशन पे मैं गौ माता भी दिखाता हूँ। हाँ हाँ, ये खजुराहो स्टेशन का नज़ारा है, चाय पीने के लिए आ गई है। ये सामने चाय डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये खजुराहो स्टेशन बाहर से, ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और उससे उतर के बाहर आकर आप स्टेशन भी दिखा पाएं लोगों को, मगर खजुराहो में ये पॉसिबल है क्योंकि ट्रेन करीब 15 मिनट यहाँ रुकती है। का एंट्रेंस, ये खजुराहो स्टेशन का एंट्रेंस है जिससे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। सामने हमारी ट्रेन खड़ी दिख रही है जिससे हम उतर के बाहर घूम रहे हैं। क्या खजुराहो से ट्रेन डिपार्ट हो रही है मगर कुछ नज़र नहीं आने वाला है क्योंकि जहाँ हमारा कोच खड़ा था वहाँ काफ़ी अंधेरा उसके बाद। पहली बात, सुबह के करीब 7:30 बज गए हैं, अभी अभी ट्रेन उज्जैन स्टेशन से निकली है, करीब 1 घंटा और लगेगा हमें इंदौर पहुँचने में। अभी अभी हम भी सो के उठे हैं। ये शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी का भी काफ़ी महात्म्य है, इसी के किनारे हर 12 साल उज्जैन में कुंभ लगता है। जय हो शिप्रा मैया। जब भी आप ट्रेन की खिड़की के बाहर देखते हैं तो दो चीज़ें प्रायः आपको करीब करीब हर जगह नज़र आएंगी, एक तो कटे हुए पेड़ और दूसरा कचरा जिसमें ज़्यादातर प्लास्टिक या पॉलीथीन है। ये शायद ट्रेन से लोगों द्वारा ही फेंका जाता हो या पर ये बहुत ज़्यादा तादाद में हर शहर के आउटर में पाया जाता है, तो शहर तो साफ़ हो रहे हैं और उनके आउटर गंदे हो रहे हैं, और इनकी सफाई भी होगी या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं क्योंकि आउटर में है। ये पॉलीथीन कभी सड़ेगी नहीं, यहाँ कभी वृक्ष उगेंगे नहीं। ये एक स्टेशन है उज्जैन के ठीक बाद इंदौर जाते समय आता है, इसका नाम है चिंतामन गणेश। चिंतामन गणेश भी एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो उज्जैन में है, जो भी भक्त उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं वो भी चिंतामन गणेश ज़रूर जाते हैं।
देखिए ये स्टेशन है फतेह चंद चंद्रावती गंज जंक्शन। ये ट्रेन के स्टॉपेजेस में नहीं है बट उज्जैन से इंदौर जाते समय रास्ते में आता है। ये कब आता है? ये तो बहुत बड़ा बना हुआ है स्टेशन। ये तो नया रूट है ना। कौन सा रूट है ये? ये भी इंदौर से उज्जैन जो डायरेक्ट है, देवास नहीं पड़ता इसमें। अच्छा यहाँ रुकती है क्या ट्रेन? यहाँ स्टॉप थोड़ी है। ये आपका फतेहगढ़ चंद्रावती गंज ये नया रूट है सीधा क्या इंदौर से सीधा उज्जैन? ये तो बहुत बड़ा स्टेशन बनाया इन्होंने। इंदौर लेट आती ये शॉर्ट डिस्टेंस है वो जाती इंदौर से देवास देवास से उज्जैन ये सीधे आ जाती उज्जैन। नहीं पर उज्जैन से इंदौर आने में टाइम लगता है इस रूट से। ये जो सर नहीं एक घंटा लगता वैसे दो घंटे लगते। हाँ तो कब से तो हो गया एक घंटा। अभी 7:30 बजे चली उज्जैन से। कितने बजे अभी? 8:00 बजा भी चालू हुआ है चंद्रवती गंज ये भी जंक्शन है। ये देखिए रेलवे का गेट है गाड़ियां रुकी हुई हैं सामने एक सड़क जो क्रॉस करेगी हमारा ट्रैक। हम आ गए हैं इंदौर। एक भी लगी ये जो देख रहे हैं आप ये आइलैंड प्लेटफॉर्म है। करीब 9 बजे करीब करीब राइट टाइम ही है ये गाड़ी और अब इस व्लॉग को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।